टॉपिक है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस टॉपिक में जो चीज़ें हमने कवर करनी है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन। डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन क्या है, ये कैसा एलिमेंट है, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, कौन से इसके आइसोटोप है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में पहला जो कंपाउंड पढ़ेंगे दे विल बी द हाइड्राइड्स। हम सारी डिटेल्स देखेंगे कि व्हाट दीज हाइड्राइड्स आर, हाइड्राइड्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, कैसे बनते हैं और क्या इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज है। थर्ड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर, व्हाट इज वाटर, व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वाटर में व्हाट इज हार्डनेस इन वाटर, व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ हार्डनेस दैट वी आर हैविंग इन वाटर। सो वाटर की सारी हार्डनेस और इसकी रिमूवल्स के मेथड सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दिस फोर्थ टॉपिक इज हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड विच इज H2O2। हाइड्रोजन परोक्साइड क्या है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे ये बनता है और कैसे इसको हम कंसंट्रेट करते हैं, क्या इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल्स हम हाइड्रोजन परोक्साइड में पढ़ेंगे। सो ये जो टॉपिक है हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इसमें चार चीजें हमें कवर करनी है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन परोक्साइड। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ दिस हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जिसका सिंबल है एच, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन इज 1। बट इस हाइड्रोजन का जो मास नंबर जो है, मास नंबर इज नॉट फिक्स्ड, मास नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन कैन बी 1, मास नंबर कैन बी 2, मास नंबर कैन बी 3। यानी एटॉमिक नंबर तो इसका 1 है मगर इसका मास नंबर जो है, मास नंबर इज 1, 2 एंड 3। एंड हमें इस चीज का पता है कि दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर सेड टू बी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी हाइड्रोजन के डिफरेंट मास नंबर होने की वजह से 1, 2 एंड 3, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स। एंड द 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ दिस हाइड्रोजन आर 1H1, 1H2 एंड 1H3। यानी हाइड्रोजन विद मास नंबर 1, हाइड्रोजन विद मास नंबर 2 एंड हाइड्रोजन विद मास नंबर 3। सो हाइड्रोजन विद मास नंबर 1 जो होता है, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं प्रोटियम। दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। देन वी आर हैविंग ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन विद मास नंबर 3 जो होता है 1H3, इसे हम बोलते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम जिसका सिंबल है H, ड्यूट्रियम जिसे हम लिखते हैं D से, ट्रिटियम जिसे लिखते हैं T से, दीज आर द 3 आइसोटोप ऑफ दिस हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इन तीनों आइसोटोप्स में अगर हम देखें तो प्रोटियम इज द आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 0। दिस इज द आइसोटोप विच इज हैविंग ओनली प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। सो इसमें सिर्फ एक प्रोटोन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इसमें देयर इज नो न्यूट्रॉन। दिस इज द ओनली एलिमेंट, प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट विदाउट एनी न्यूट्रॉन। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो लाइक हाइड्रोजन का ये दो आइसोटोप्स जो है, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, इन दो एटम्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम जिसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 न्यूट्रॉन। सो डिटेल्स अगर हम देखें 1H1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। ड्यूट्रियम विच इज 1H2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल ऑल्सो बी 1, क्योंकि इसका मास नंबर जो है दैट इज 2। मास नंबर 2 होने की वजह से इट इज हैविंग 1 न्यूट्रॉन। सो ट्रिटियम विच इज 1H3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
वन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी टू. सो दिस हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इस हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं ड्यू टू थ्री डिफरेंट एटॉमिक मासेस. दीज थ्री आइसोटोप्स आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. इन तीनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस लाइज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जीरो न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन एंड देर आर टू न्यूट्रॉन. सो इन आइसोटोप्स की अगर हम डिटेल्स में जाएं, इन तीनों आइसोटोप्स में आफ्टर दीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अगर हम देखें द मोस्ट अबंडेंट जो है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जो है दैट इज प्रोटियम. इन तीनों आइसोटोप में से अबंडेंस जो है वो सबसे ज्यादा है प्रोटियम की है. एंड दिस प्रोटियम इज अबंडेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 99.986%. दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस प्रोटियम. इट इज अबंडेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 99.986%. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम की अबंडेंस सेकेंड नंबर पे. And this deuterium is abundant to the extent of 0.014%. And in tino isotopes mein se tritium ki abundance jo hai that is minimum. And tritium is abundant to the extent of 7 × 10⁻¹⁶%. So three isotopes of hydrogen, protium, deuterium, tritium. In tino mein se protium is most abundant and tritium is least abundant. इसके अलावा इन तीनों आइसोटोप्स में ट्रिटियम जो होता है, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव. दिस इज रेडियो एक्टिव. दिस इज नॉट हैविंग स्टेबल न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस डिके करेगा, जिसकी वजह से दिस इज रेडियो एक्टिव. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ट्रिटियम इज दैट ट्रिटियम अंडरगो बीटा एमिशन, क्योंकि ये रेडियक्टिव है. रेडियक्टिव होने की वजह से इट मस्ट अंडरगो सम एमिशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो एलिमेंट्री पार्टिकल विच ट्रिटियम इज एमिटिंग, इट इज एमिटिंग बीटा पार्टिकल. सो इट इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल, यानी देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ट्रिटियम अगर डिसइंटीग्रेट करेगा तो दिस ट्रिटियम विच इज 1H3, दिस विल डिसोशिएट इनटू, दिस विल डिसइंटीग्रेट इनटू Hc2+3 एंड देयर इज एमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. So, तीन आइसोटोप्स में से ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव. दिस अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एंड इट अंडरगो बीटा एमिशन. देयर इज एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम दिस ट्रिटियम एंड विद एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल दिस इज कन्वर्टेड टू Hc2+3 एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. इसके अलावा इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस ट्रिटियम इज 12.26 years. सो ट्रिटियम जो कि रेडियोएक्टिव है इज अ बीटा मेटर एंड इसका हाफ लाइफ जो है दैट इज 12.26 years. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ट्रिटियम विच इज रेडियोएक्टिव, सो ये जो ट्रिटियम है, दिस ट्रिटियम इज फॉर्म्ड इन अपर एटमोस्फेयर. इट इज फॉर्म्ड इन अपर एटमोस्फेयर by cosmic rays. So cosmic rays ke saath reaction ke through these tritium particles, these tritium atoms are being produced. So it is formed by the reaction induced by the cosmic rays. Cosmic ray reaction induce karegi aur us reaction mein ye jo nitrogen hai present in atmosphere, nitrogen 714, in the presence of cosmic rays this will be absorbing neutron and this will be converted to C6+12, there is formation of tritium. एज इट इज नेचर में ये जो ट्रिटियम है इसकी अबंडेंस बहुत कम है. अपर एटमोस्फेयर में ट्रिटियम की फॉर्मेशन होती है बाय द रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय द कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज इंड्यूस दिस रिएक्शन. उस रिएक्शन में ये जो नाइट्रोजन है दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दीज ट्रिटियम एटम्स. सो दिस इज द डिटेल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ दिस हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन जिसके तीन आइसोटोप, प्रोटियम,
ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ट्रिटियम इज रिडक्टिव, दिस इज बीटा पार्टिकल एमिटर, एंड इसके अलावा सो इट्स हाफ लाइफ इज 12.26 ईयर्स. These are the important point of this tritium, which is least abundant in this nature. So tritium ko large scale pe synthesize kiya ja sakta hai. Tritium ko large scale synthesize kiya jata hai by irradiating lithium with slow moving neutrons. So lithium ko agar irradiate kiya jaye with slow moving neutrons, iski irradiation se this tritium is being produced. So lithium, which is 3-6 Li-3-6 neutron absorption say this is converted to Hg2-4 and there is formation of tritium, which is 1T3. Yani manufacturing tritium ki manufacturing mein ye reaction use kiya jata hai. Is reaction ke through this tritium is manufactured for various purposes. One more important thing about this tritium is that ये जो tritium होता है, this tritium is used in radioactive tracer. So radioactive tracer technique में we use this tritium. Tritium is being used in radioactive tracer technique. So it is beta particle emitter. Beta particle की जो intensity होती है, which are emitted out of this tritium, that intensity is not very very high. So these are not very harmful particle, जिसके लिए जिसकी वजह से हम इस tritium को comfortably handle कर सकते हैं, and this tritium is being used in radioactive tracer technique. So these are the details of the tritium. Next देखो, इस hydrogen में वापस आते हैं. Hydrogen, इसकी electronic configuration हमें पता है, due to atomic number 1, its electronic configuration is 1s1. Now, hydrogen is a peculiar element. This is very typical element. Or is element ki properties resemble karti hai with the properties of alkali metals as well as properties of halogens. So there is similarity in properties of hydrogen with alkali metals and similarity in the properties of this hydrogen with halogens also. Now, ye kaun si properties hai jinmein ye resemble karta hai with alkali metals and resemble karta hai with halogens, ye sari hum details dekhte hain. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स. सो अल्कली मेटल्स के बारे में हमें कुछ आइडिया है. अल्कली मेटल्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन. ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं. दीज आर ऑल मेटल्स, दीज आर द लाइटर मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. So their general configuration jo hoti hai alkali metals ki general configuration is NS1. So various properties in which hydrogen resemble with the properties of these alkali metals are, number one, alkali metals ki tarah hi hydrogen mein bhi valence shell is containing only one electron. Yani alkali metals ki tarah hi hydrogen ki valence shell jo hai, valence shell contain one electron. Just like alkali metals, alkali metals ki valence shell mein ek electron pada hai, hydrogen ki bhi valence shell mein there is only one electron present, just like these alkali metals. Now second resemblance of these hydrogen with alkali metals is, ye dono jo hai, both hydrogen and alkali metal, these form unipositive ion in their compounds. So these form unipositive ion with the loss of electron. So dono electron lose karenge, jaise alkali metal hai sodium ek electron lose karke this is getting converted to Na+, waise hi hydrogen bhi ek electron lose karke this is converted to H+. This is also the resemblance of this hydrogen with alkali metal. Number one, they contain one electron in valence shell. Second, they lose one electron and they get converted to unipositive ion, just like alkali metal. Iske alawa, third resemblance which hydrogen is having with these alkali metal. So hydrogen alkali metals ki tarah hi compounds ki formation deta hai with the non-metals.
नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह ही कंपाउंड की फॉर्मेशन देता है. सो दिस इज फॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कली मेटल की तरह ही हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, अल्कली मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं. दिस इज Na2. हाइड्रोजन नोबल गैसेस की तरह नोबल गैस हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके बनाता है HCl, वैसे ही अल्कली मेटल्स भी हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन देते हैं. देन इट इज फॉर्मिंग कंपाउंड लाइक H2SO4. दीज आर ऑल्सो फॉर्मिंग कंपाउंड लाइक Na2SO4. और यू कैन से हाइड्रोजन के इन कंपाउंड्स की रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल कंपाउंड्स की तरह ही. सो दे आर फॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड. सो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन रिजेम्बल विद द कंपाउंड ऑफ दीज अल्कली मेटल्स. अब देर इज रिजेम्बलेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल, बट इनमें जो बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्डिंग इज नॉट सेम. जैसे कि ये कंपाउंड जो है, दीज कंपाउंड्स आर प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट, बट दीज कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर. So there is a resemblance in the nature of the compound, but the bonding present in these compound is not same. This is the third point of resemblance of these alkali metals with hydrogen. Then fourth important point is both are liberated. Both are liberated at कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस. यानी इनके कंपाउंड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, इनके कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर लिबरेटेड एट कैथोड. बोथ आर लिबरेटेड एट कैथोड व्हेन देयर कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड. जैसे कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम सॉलिड इज लिबरेटेड एट कैथोड. इट इज लिबरेटेड एट कैथोड प्लस देर इज फॉर्मेशन ऑफ हाफ मोल ऑफ क्लोरीन विच इज लिबरेटेड एट एनोड. वैसे ही हाइड्रोजन का ये जो कंपाउंड है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी अगर हम इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो जैसे अल्कली मेटल कैथोड पे लिबरेट हो रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. दिस इज लिबरेटेड एट कैथोड. और यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. जैसे अल्कली मेटल्स दे आर लिबरेटेड एट कैथोड, वैसे ही हाइड्रोजन इज ऑल्सो लिबरेटेड एट कैथोड व्हेन इट्स कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन. सो बोथ आर लिबरेटेड एट कैथोड, they form same type of compound, they form unipositive cation and they are having one electron in their valence shell. So valence shell mein ek electron hai, unipositive cation banate hain, they are forming similar type of compounds and they are liberated at cathode. Iske alawa ye jo hydrogen hai, hydrogen ki alkali metal ke sath sirf resemblance nahi hai, hydrogen ke some point of differences are there with alkali metal also. ये रिजेंबल भी करता है, बट देर आर सर्टन पॉइंट्स इन विच इट डिफर्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स. तो वो कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है? पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम अल्कली मेटल्स. वैसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में अल्कली मेटल हाइड्रोजन अल्कली मेटल से डिफर करता है? सो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में पहला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज हाइड्रोजन जो है, इट इज अ नॉन मेटल. हाइड्रोजन इज अ टिपिकल नॉन मेटल. हाइड्रोजन नॉन मेटल है एंड एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म. इट इज अ नॉन मेटल एंड इट एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म. जबकि अल्कली मेटल्स आर मेटल्स. अल्कली मेटल्स आर मेटल्स एंड दीज एग्जिस्ट इन मेटेलिक फॉर्म लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, लिथियम. ये सारे जो है अपनी मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल.
दिस इज टिपिकल नॉन मेटल एंड दीज आर द ऑल मेटल्स. दिस एग्जिस्ट एज H2. ये सारे अपने मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हैविंग द मेटेलिक बॉन्ड. इन हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, सो ये अपनी मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच आर हैविंग मेटेलिक बॉन्ड. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद हाइड्रोजन. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज आयनाइजेशन एनर्जी. If we compare the ionization energy of hydrogen with the ionization energy of alkali metal, that you'll find that ionization energy of hydrogen is much much higher than ionization energy of alkali metals. यानी in alkali metals की ionization energy is fairly low, जबकि ionization energy of hydrogen is much higher than ionization energy of alkali metals. So इसका electron displace करना it is difficult. इनमें electron displace करना from outer shell it is very easier. So, पहला पॉइंट था दैट इज नॉन मेटल, अल्कली मेटल्स आर मेटल्स. दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज मच हायर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स. सो थर्ड पॉइंट इज दैट हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फेयरली लो है. लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड दीज एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. जबकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इट इज नॉट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन इजिली ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. सो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई. सो हाइड्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू alkali metals. Alkali metals which are typically metals which are highly electropositive, their electronegativity is very low, jabki hydrogen ki electronegativity is high. It is high electronegativity as compared to the electronegativity of alkali metals. Next likho, fourth point of difference jo hai, this fourth point of difference is hydrogen does not react with water. Hydrogen ka water ke sath koi reaction nahi hai. अगर हम हाइड्रोजन को वाटर से पास करते हैं सो हाइड्रोजन कुछ एक्सटेंट में वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, बट हाइड्रोजन इज नॉट रिएक्टिंग विद वाटर. सो देयर इज नो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर. यानी हाइड्रोजन जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. जबकि अल्कली मेटल्स जो है, ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट vigorously with water. Hydrogen doesn't react with water, jabki alkali metals, their properties that they react vigorously with water. This is again point of dissimilarity of hydrogen with alkali metals. So fourth point ke baad, next point is oxide of hydrogen. Oxide of hydrogen जो है that is different from oxide of the alkali metals. अगर हम देखें hydrogen का oxide, तो hydrogen का जो oxide बनेगा, hydrogen oxide is H2O. Whereas alkali metal oxides जो होते हैं, all alkali metal oxides, their formula is M2O. There is a difference in oxide of alkali metals and the oxide of the hydrogen. So hydrogen का ये जो oxide है water, it is a neutral liquid. So these oxides are solids, all these oxides are solid, and inke jo aqueous solution hote hain, aqueous solutions are basic in nature. All the oxides of alkali metal, their aqueous solutions are basic in nature. So aqueous solutions are basic, jabki ye kya hai hamare paas, hydrogen ka oxide, it is a neutral liquid. This is again a point of dissimilarity of hydrogen with alkali metals. So the various point of dissimilarity of hydrogen with alkali metals, ये कौन-कौन से? एक बार फिर से summarize करते हैं. So number one, hydrogen is a typical non-metal, जबकि alkali metals are metals. Hydrogen exists करता है as H2, जबकि वो exists करते हैं NaLiK अपने metallic form में. Second point of difference is that ionization energy जो है, ionization energy of hydrogen is much higher than ionization energy of
अल्कली मेटल्स। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मच हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा है दैट हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, दिस इज वाटर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल ऑक्साइड, देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ दिस हाइड्रोजन। एंड फिफ्थ हमने पढ़ा है दैट हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि अल्कली मेटल्स ऑल रिएक्ट विद वाटर, दीज रिएक्ट विग्रेसली वाटर। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ दिस हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन सिर्फ अल्कली मेटल के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ मैच नहीं कर रही, देयर इज डिसिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। इसी तरह हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस हैलोजन्स के साथ भी है, जैसे अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस है एंड डिसिमिलरिटी है, वैसे ही हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस भी है और डिसिमिलरिटी है विद हैलोजन्स। तो सबसे पहले देखते हैं किन पॉइंट्स में हाइड्रोजन मैच करता है विद हैलोजन्स। तो देखते हैं रिजेम्बलेंस, विद हैलोजन्स, दोज पॉइंट्स इन विच हाइड्रोजन रिजेम्बल विद दीज हैलोजन्स। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो हाइड्रोजन को अगर नोबल गैस हीलियम में कन्वर्ट होना है, हैलोजन को अगर नोबल गैस में कन्वर्ट होना है, सो बोथ रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देके जब ये एच नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, दिस रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। इसी तरह अगर हम हैलोजन ले फ्लोरीन, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके, दिस विल बी कन्वर्टेड टू एफ नेगेटिव एंड विल रिक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी इज एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके बोथ दीज एटम्स, हाइड्रोजन भी और हैलोजन्स भी, दे एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोथ रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड देखो, बोथ फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। कंपाउंड फॉर्मेशन में चाहे हेलोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट। सो हाइड्रोजन को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो दूसरे एलिमेंट के साथ बनेगा, दिस इज ऑलवेज सिंगल। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे बनते हैं? सिंगल। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे बनते हैं? सिंगल। सो हाइड्रोजन जो है हैलोजन्स की तरह ही सिंगल बॉन्ड बनाता है विद अदर एलिमेंट्स, वैसे ही ये हैलोजन्स भी, जैसे हैलोजन का बॉन्ड विद हाइड्रोजन बन रहा है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। हैलोजन का किसी भी कंपाउंड के साथ बॉन्ड देखें, तो ये हैलोजन्स के बॉन्ड भी कैसे होते हैं? सिंगल। बोथ फॉर्म सिंगल बॉन्ड इन देयर कंपाउंड्स। थर्ड जो है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में बोथ दीज एलिमेंट दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। सो हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म देखें, तो हाइड्रोजन इन एलिमेंटल फॉर्म एग्जिस्ट एज H2। जितने भी हैलोजन्स हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म में दे एग्जिस्ट एज X2, यानी एलिमेंटल फॉर्म में बोथ दीज एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन अ सेम वे, दे एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल H2, दे एग्जिस्ट एज F2 Cl2 Br2 I2, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Now, fourth point is, both form anion in compound formation with alkali metals and alkaline earth metals. यानी अगर हाइड्रोजन को या फिर हैलोजन को अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपाउंड बनाना है, हाइड्रोजन का कंपाउंड इन मेटल के साथ एंड हैलोजन का कंपाउंड इन मेटल के साथ,
इन दोनों कंपाउंड्स में बोथ एग्जिस्ट एज एनायन. जैसे किसी अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है तो इट विल बी NaH, इट विल बी KH. अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इट विल बी MgH2, इट विल बी CaH2. इन सभी कंपाउंड्स में विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज एनायन. वैसे ही ये जो हैलोजन्स हैं इन मेटल के साथ अगर कंपाउंड बनाएंगे दे विल एग्जिस्ट एज एनायन. जैसे NaCl, KCl, MgCl2 एंड CaCl2. इन सभी कंपाउंड में दीज एग्जिस्ट एज एनायन. यानी दिस पॉइंट सेज, फोर्थ पॉइंट सेज कि विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन एंड हैलोजन जब कंपाउंड बनाएंगे इन कंपाउंड्स में दीज विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनायन. सो दीज वॉन्ट बी फॉर्मिंग एटायन, केटायन ये एग्जिस्ट करते हैं एज एनायन. नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट विच इज सिमिलरिटी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन की भी और हेलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज कंपेरेबल. आयनाइजेशन एनर्जी इज कंपेरेबल. सो इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिया था विद अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल के पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हमने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज मच हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स. नाउ इसका अगर हम कंपैरिजन करें विद हैलोजन्स तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज कंपेरेबल विद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हैलोजन्स. दिस इज अगेन द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स. सो द वेरियस पॉइंट इन विच इट इज सिमिलर टू हैलोजन्स आर, दोबारा फिर देखते हैं. नंबर वन, सो दोनों के नॉन मेटल एंड एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन एज H2 एंड हैलोजन एज X2. सो पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस एक बार फिर देखो, पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस में पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है बोथ हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा है बोथ फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन देयर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स जब बनाएंगे इन कंपाउंड्स में दोनों एलिमेंट्स के सिंगल बॉन्ड बनेंगे. तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है एलिमेंटल स्टेट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज H2 एंड हैलोजन एग्जिस्ट करते हैं एज X2. फोर्थ हमने पढ़ा है दोनों एनायन की फॉर्मेशन देते हैं इन देयर कंपाउंड्स विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो अल्कली मेटल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ दीज फॉर्म एनायन. फिफ्थ हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज कंपेरेबल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजन्स. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स. अब हम देखते हैं कि इस हाइड्रोजन के हैलोजन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है. सो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी हमने देख ली, अब देखते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट. यानी हाइड्रोजन जो बिलोंग करता है, हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, जबकि जितने भी हैलोजन्स हैं ऑल हैलोजन्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट. हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाने की वजह से इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट. हैलोजन्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है जिसकी वजह से हैलोजन्स आर पी ब्लॉक. ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, दिस पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि इन बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन जब कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट.
सो कंपाउंड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट, जबकि हैलोजन्स जो है, हैलोजन इन कंपाउंड फॉर्मेशन दे आर कंप्लीटिंग देयर सेक्स्टेट, यानी इन हैलोजन्स की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं एंड दे आर एक्वायरिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो हाइड्रोजन इज कंप्लीटिंग इट्स ड्यूप्लेट, जबकि हैलोजन जो है इन कंपाउंड फॉर्मेशन दे आर कंप्लीटिंग देयर सेक्स्टेट. नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर हम इन हाइड्रोजन एंड हैलोजन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड हैलोजन के कंपाउंड सच एज HCl, सच एज NaCl, इन कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशंस को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें, हैलोजन एंड हाइड्रोजन के इन कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन इज reduced, hydrogen is reduced, it is reduced to H2, jabki halogens are oxidized. So in compounds ki electrolysis, compounds of hydrogen and halogen, inke aqueous solution ki agar hum electrolysis kare to electrolysis mein hydrogen and halogen, they are not undergoing same kind of process, they are undergoing different kind of reactions. Electrolysis mein hydrogen is undergoing reduction and halogens are undergoing oxidation. These are oxidized and this hydrogen is getting reduced. The fourth point of difference with the halogen is that hydrogen apne compounds mein oxidation show karta hai 0, minus 1 and plus 1. Hydrogen ke compound formation mein hydrogen is exhibiting 3 different oxidation state. अगर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एज H2, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 0. हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है विद अल्कली मेटल्स और विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1. सो यहां पे 0, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. इसके अलावा हाइड्रोजन इन कंपाउंड फॉर्मेशन लाइक HCl, H2O, इन कंपाउंड में दिस इज एग्जिबिटिंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्मेशन में सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0, -1 एंड +1. जबकि ये जो हैलोजन्स है, हैलोजन जब कंपाउंड बनाते हैं, हैलोजन कंपाउंड फॉर्मेशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +7. हैलोजन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इन कंपाउंड फॉर्मेशन, दीज एग्जिबिट -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो हैलोजन इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन देते हैं, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0, -1 एंड +1. दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन. सो द डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एक बार फिर से देख लो. डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक, हैलोजन्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट. नंबर 2, इन बॉन्ड फॉर्मेशन hydrogen complete its duplet, jabki halogens they complete their sextet. Third point mein jab inke compound ko, compound ke aqueous solution ko electrolyze kare to hydrogen is getting reduced and halogens are getting oxidized, so the process which they are undergoing that is not same. Fourth point of difference jo hai, this exhibit oxidation state of 0, +1, -1, jabki halogens exhibit oxidation state of -1, 0, +1, +3, +5 and +7. So oxidation states of these elements are not same. So these are the point of differences. तो इस सारे discussion से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो hydrogen है, इसकी resemblance with alkali metals भी है और इसकी resemblance with halogens भी है. It resembles with alkali metals and it resembles with halogens. इसके अलावा इस hydrogen की सिर्फ resemblance नहीं है, resemblance के साथ साथ this hydrogen has point of differences from alkali metal and has point of differences from halogens. अब since इसकी configuration 1s1 है, so it is placed above alkali metals. It is placed above alkali metal. It is part of S block, but it is not part of family of alkali metals. So
सो अल्कली मेटल्स की फैमिली में जो एलिमेंट्स होते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रांसियम होते हैं. दीज आर ऑल अल्कली मेटल बट हाइड्रोजन इज नॉट एग्जैक्टली अल्कली मेटल. इट इज प्लेस्ड अबव अल्कली मेटल बट इज नॉट पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ दिस अल्कली मेटल. सो दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हाइड्रोजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है अपने आप को ये स्टेबलाइज कर सकता है इन थ्री डिफरेंट वेज. इट कैन स्टेबलाइज इन थ्री डिफरेंट वेज बाय एग्जिस्टिंग एज H2, बाय एग्जिस्टिंग एज H+ एंड बाय एग्जिस्टिंग एज H-. यानी हाइड्रोजन की स्टेबलाइजेशन के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके विद सेम काइंड ऑफ एटम्स इट कैन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2. इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कैन एग्जिस्ट एज H+ ion. इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड कैन एग्जिस्ट एज H-. अब इन सभी में से H+ ion जनरली हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते. अगर हमें H+ ion फ्री स्टेट में चाहिए तो दीज H+ ion इन फ्री स्टेट आर एग्जिस्टिंग इन डिस्चार्ज ट्यूब्स. In aqueous solution, like water aqueous solution, it exists as H3O positive. And H- be free state mein is not existing. H- exist karta hai in compounds such as NaH, CaH2, MgH2, and in the form of other hydrides. So free state mein na iski form abundance hai na iski abundance hai. So फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है सिर्फ H2. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस हाइड्रोजन की अबंडेंस के बारे में. सो हाइड्रोजन मींस 1H1. 1H1 इसकी अगर हम अबंडेंस देखें तो बच्चे अबंडेंस में दिस 1H1 इज हाईली रिएक्टिव. It is a very reactive atom. Why it is very reactive? Because इसको noble gas configuration acquire करने के लिए सिर्फ एक electron चाहिए. Since it require only one electron, इसलिए this is a highly reactive element. Being a highly reactive element, this is never existing in nature in free form. Free form में as H nature में this is not existing. Nature में ये exist करता है as H2 or in the form of compounds with metals and non-metals. So combined form में ये exist करता है with metals and non-metals, या फिर ये exist करता है in elemental form as H2. Free state में H is non-existing. इसके अलावा this hydrogen is most abundant element. It is most abundant element in the universe. Universe का हम assume करते हैं कि most of the part जो है that is made up of this hydrogen. As stars and sun, इसमें द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन. सो इट इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स बट इज रिलेटिवली लेसर अबंडेंट इन अर्थ. अर्थ पे इसकी अबंडेंस रिलेटिव टू अदर एलिमेंट्स कम है. क्यों कम है? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है दैट इज वीक. ग्रेविटेशनल पुल वीक होने की वजह से ये हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकती. सो हाइड्रोजन एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमोसफेयर. बींग लाइटर ये एस्केप कर देता है फ्रॉम अर्थ एटमोसफेयर. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है इट कांट अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से दिस इज नॉट दैट अबंडेंट ओवर अर्थ एज कंपेयर टू इट्स अबंडेंस ओवर स्टार्स एंड इन द स्पेस. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो. अबंडेंस के बाद अब हम देखते हैं इस डाइहाइड्रोजन के बारे में. व्हाट इज दिस डाइहाइड्रोजन? सो H2 के बारे में पढ़ेंगे. H2 के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रेपरेशन. वो कौन से तरीके हैं बाय विच दिस डाइहाइड्रोजन विच इज H2 दैट कैन बी प्रिपेयर्ड. सो डाइहाइड्रोजन जो है इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. So it was year 1766 when it was prepared by Henry
केविंडिश एंड ही कॉल्ड दिस गैस एज इनफ्लेमेबल एयर. ही कॉल्ड दिस एज इनफ्लेमेबल एयर. इसके अलावा इसका हाइड्रोजन नेम जो दिया था दैट वॉज गिवन बाय लुवाइजियर. सो लुवाइजियर ही हैज गिवन दिस नेम हाइड्रोजन टू दिस एलिमेंट एच. सो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हेनरी केविंडिश एंड दिस नेम हाइड्रोजन वॉज गिवन बाय दिस लुवाइजियर. देन इसकी प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो दिस एच टू कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वॉटर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड्स, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कलीज एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. यानी इस हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के चार अलग अलग मेथड है. हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वॉटर, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड, अल्कलीज एंड हाइड्रोकार्बन. सो इन मेथड्स की डिटेल देखते हैं बाय विच दिस हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड. तो प्रिपरेशन में पहली है फ्रॉम वॉटर. तो वॉटर के साथ बच्चे याद रखो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर हैविंग प्रॉपर्टी दैट मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वॉटर. मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वॉटर. मेटल रिएक्ट विद वॉटर एंड दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वॉटर. नाउ इफ आई से सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये भी गलत है. सो देयर इज अ सीरीज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या फिर वो मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पड़े हैं, उन मेटल्स की रिएक्टिविटी इज हाई एंड इन मेटल्स की हाई रिएक्टिविटी की वजह से दीज मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. इसके अलावा दोज मेटल्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, those metals which are highly electropositive, they can comfortably displace hydrogen from water. तो water से hydrogen को displace करने के लिए हमें choose करने हैं metals. सारे metals hydrogen displace नहीं कर सकते, सिर्फ वही metal hydrogen को displace करते हैं, the metals which are lying above than hydrogen in electrochemical series. अब ये जो metals हैं which are lying above than hydrogen in electrochemical series, these metals are highly electropositive. Highly electropositive metals can easily displace hydrogen from the water. इसके अलावा different condition में water से hydrogen कैसे displace की जा सकती है, so इसके लिए हम देखते हैं. A part देखते हैं from cold water. यानी water is placed at low temperature. Now cold water से hydrogen को displace करने के लिए so metal की इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है इट हैज टू बी वेरी हाई. अगर मेटल की मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज फेयरली हाई, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर. नाउ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के बारे में देखें तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जनरली होते हैं अल्कली मेटल्स. लाइक इफ वी आर हैविंग सोडियम, इफ वी प्लेस दिस सोडियम इन वॉटर, दिस वॉटर हैज टू बी कोल्ड वाटर, लो टेम्परेचर पर यह वाटर होना चाहिए. सोडियम इस कोल्ड वाटर से, वाटर एट लो टेम्परेचर से क्या लिबरेट कर सकता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है एंड इटसेल्फ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू NaOH. सो सोडियम रिएक्ट करता है, टू मोल्स ऑफ सोडियम टू मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके टू मोल्स ऑफ NaOH देंगे एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस. इसके अलावा मेटल लाइक पोटेशियम, मेटल लाइक कैल्शियम विच आर ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये मेटल्स भी कोल्ड वाटर से दे कैन डिस्प्लेस H2 गैस. कैल्शियम भी वाटर से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करके हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देंगे. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड इन सभी रिएक्शन में देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एज H2 गैस. दिस इज फ्रॉम कोल्ड वाटर. नंबर टू देखो, फ्रॉम बॉइलिंग वाटर,
बॉइलिंग वाटर, इट्स नाउ ऑब्वियस, बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोजन वही मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं जिन मेटल्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर तो है बट दे आर नॉट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी रिएक्टिविटी तो है, दे आर लाइंग अबव देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे हैं बट उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि अल्कली मेटल्स का है. सो दीज मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर. तो बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करने के लिए मेटल लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ये क्या बनाएगा, दिस इज फॉर्मिंग, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस. सिमिलरली मेटल लाइक जिंक, ये मेटल सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पड़े. सो पिछले जो मेटल थे देवर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर थोड़ा सा कम है, इनकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की है. सो ये भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड एंड H2 गैस. अब अगर हम बात करें आयरन की, सो आयरन जो होता है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जब ये Fe2 प्लस में क्रूड होता है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दिस इज -0.44 वोल्ट. आयरन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है ये भी हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है. दिस कैन ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बट ऑर्डनरी वाटर से, जब बॉइलिंग वाटर से, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता बट दिस आयरन कैन डीकम्पोज द स्टीम, स्टीम को यह डीकम्पोज कर देगा, इट डीकम्पोज द स्टीम एंड कन्वर्ट द स्टीम इंटू हाइड्रोजन. तो आयरन से वाटर के थ्रू अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमें आयरन को रिएक्ट करना पड़ेगा स्टीम के साथ. 3 मोल्स ऑफ आयरन रिएक्ट करते हैं 4 मोल्स ऑफ स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके एट हाई टेम्परेचर दिस इज फॉर्मिंग एन ऑक्साइड विच इज Fe3O4, Fe3O4 विच इज कॉल्ड मैग्नेटाइट प्लस 4 मोल्स ऑफ H2 गैस दिस विल बी लिबरेटेड. सो ये जो ऑक्साइड होता है Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, दिस इज द मिक्स ऑक्साइड, दिस इज द मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3. सो इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन आती है एंड देयर इज अ लिबरेशन ऑफ H2 गैस. सो ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम वाटर. सो वाटर को हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लिया एंड इस वाटर से वी आर ऑब्टेनिंग दिस हाइड्रोजन. वी हैव ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, वी हैव ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एंड वी हैव इवन डीकम्पोज दिस स्टीम बाय दिस मेटल. दिस मेटल इज आयरन, आयरन कैन डीकम्पोज एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस. तो इसके लिए मैंने बताया, सो मेटल्स कौन से होने चाहिए, मेटल्स विच आर लाइंग अबव देन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड्स. तो एसिड्स में यहां पे एसिड्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास जो एसिड्स हैं, खास करके जो मिनरल एसिड्स हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग. जो मिनरल एसिड्स हैं या फिर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग. इन एसिड्स में खास करके हम जनरली यूज करते हैं HCl, H2SO4 एंड HNO3. इन तीनों एसिड में ये जो HNO3 है, HNO3 की सारी फॉर्म्स जो होती हैं, चाहे डाइल्यूट चाहे कंसंट्रेटेड, HNO3 की ऑल द फॉर्म्स आर ऑक्सीडाइजिंग, यानी दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड. HNO3 इन ऑल इट्स फॉर्म इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में इट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग, जबकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. Concentrated sulfuric acid is acid as well as oxidizing agent, जबकि dilute H2SO4 is acting only as acid. जबकि HCl जो है, HCl की सारी सारी form, चाहे dilute हो चाहे concentrated,
HCl की ऑल द फॉर्म्स आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग, दे आर सिंपली एक्टिंग एज एसिड. तो HCl इज प्योरली एन एसिड, इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड कैन एक्ट एज एसिड अलोन एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो. डाइल्यूट फॉर्म इज ओनली एन एसिड, जबकि कंसेंट्रेटेड फॉर्म इज एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. HNO3 इन ऑल इट्स फॉर्म इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहां पे जो हमने एसिड लेने हैं, हम लेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. तो हाइड्रोजन के लिबरेशन के लिए मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ. मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. एंड एसिड कैसे होना चाहिए? एसिड शुड बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग. मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके देयर इज लिबरेशन ऑफ एच टू गैस. वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एच टू. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl. जनरली हम डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं. इसके साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग MgCl2 एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस. इस तरह जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लिबरेशन ऑफ H2 गैस. इस तरह आयरन भी रिएक्ट करता है एसिड लाइक H2SO4 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस. तो आयरन का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना है. अगर हम H2 गैस लिबरेट करना चाहते हैं तो H2 गैस तभी आएगी अगर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट. अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट की बजाय H2SO4 कंसंट्रेटेड यूज कर लें तो देर इज लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. इंस्टेड ऑफ H2 देर इज लिबरेशन ऑफ SO2 गैस, बिकॉज हमें पता है concentrated sulfuric acid is not only an acid, this is also acting as oxidizing agent. तो iron के साथ sulfuric acid का reaction dilute form and concentrated form में different है. अगर हमें hydrogen gas चाहिए, it has to be dilute sulfuric acid. Concentrated use करेंगे तो there is a liberation of SO2 gas. So this is from acids. Then third preparation of this hydrogen is from alkalis. Alkalis like NaOH, KOH, इनसे भी we can obtain this hydrogen. तो इनसे hydrogen obtain करने के लिए property ये है कि ये react करते हैं all ये react NaOH and KOH. Alkalis react करते हैं with all such metals जिनके oxides are amphoteric. Those metals which form amphoteric oxide, those metals react with alkalis. वो alkalis के साथ react करते हैं और alkali के साथ react करके they liberate H2 gas. For example, metals like lead, metal like zinc, metal like tin. ये कैसे metals हैं? These are the metals जिनके oxides are amphoteric. So ये react करेंगे किसके साथ? These react with alkalis. और अल्कली के साथ रिएक्ट करके दे गिव लिबरेशन ऑफ H2 गैस. फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन देखें एल्यूमिनियम का, सो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH के साथ अलोंग विद वाटर. NaOH के साथ एल्यूमिनियम को अगर NaOH में डिसॉल्व किया जाए, इट गेट डिसॉल्वड इन NaOH एंड गिव फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो एल्यूमिनियम जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, दिस इज रिएक्टिंग विद NaOH, अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके इट इज लिबरेटिंग NaOH H2 गैस विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. सिमिलरली जिंक भी रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग Na2, ZnO2 and there is a liberation of H2 gas. So this is sodium zincate. This was sodium metaluminate. This is sodium zincate. And there is a liberation of H2 gas. So these metals which are forming amphoteric oxide, jinke oxide amphoteric hai, alkalis ke saath react karke, they give liberation of H2 gas. So next preparation is from hydrocarbons. Now, हाइड्रोकार्बन से
इनको ऑप्टेन करने के लिए। हम हाइड्रोकार्बन को मिक्स करते हैं विद स्टीम टू ऑप्टेन H2। वी मिक्स दीज हाइड्रोकार्बन विद स्टीम। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिथेन जो है व्हेन इट इज मिक्स्ड विद स्टीम एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड H2. हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हेन मिक्स्ड विद स्टीम एंड हाई टेम्परेचर, ये क्या देंगे? दिस गिव लिबरेशन ऑफ H2 गैस। इस तरह अगर हम प्रोपेन विच इज C3H8 विच इज ऑल्सो इन गैस स्टेट, मिथेन भी गैस स्टेट में था, वेन इट इज मिक्स्ड विद स्टीम एंड दिस मिक्सचर पास्ड ओवर कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, अगेन देर इज फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ H2 गैस, 7 मोल ऑफ H2, दिस विल बी लिबरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना चाहते हैं, दीज आर मिक्स विद स्टीम एंड पास्ड ओवर कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस H2 गैस अलोंग विद कार्बन मोनोक्साइड। इसके अलावा देखो सम लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं? सो लेबोरेटरी में H2 गैस ऑब्टेन करने के लिए हम डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं ओवर जिंक ग्रेन्यूल्स। सो जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर जब ड्रॉप वाइज डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाए, दिस हैज टू बी डाइल्यूट, जब डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ H2 गैस। सो लैब में हाइड्रोजन इस मेथड से बनाई जाती है, बाय एडिंग ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर द जिंक ग्रेन्यूल्स। अब जिंक में इंप्योरिटीज होने की वजह से, सिर्फ हमें H2 गैस नहीं मिलेगी, इस H2 गैस के अलावा सम इंप्योरिटीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। सो डिपेंडिंग जिंक में क्या इंप्योरिटीज है, द वेरियस इंप्योरिटीज दैट वी कैन गेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। सो और इंप्योरिटीज क्या आ सकती हैं? दीज इंप्योरिटीज कैन बी दैट देर इज फॉर्मेशन ऑफ PH3 गैस, देर इज फॉर्मेशन ऑफ H2S, देर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2, there is formation of SO2, NO2 and water vapors. Why water vapors? Water vapors इसलिए आ रहे हैं because ये जो hydrogen collect की जाती है by this reaction, this is collected by downward displacement method. As hydrogen is collected by downward displacement method at given temperature पे water की evaporation की वजह से hydrogen gas के साथ साथ there could be water vapors. As zinc is not pure, impurities may be present in the zinc. So the various other substances that we get along with this hydrogen are PH3, H2S, CO2, SO2, NO2 and water. अब इन सभी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? PH3 को खत्म करने के लिए PH3 and even there is presence of ASH3 also. Arsenic impurities भी हो सकती है. Arsenic and PH3 impurities, इन दोनों को खत्म करते हैं by passing this gaseous mixture through silver nitrate. Silver nitrate is absorbing both PH3 and ASH3. इसके अलावा H2S को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं lead nitrate, ताकि lead nitrate में H2S react करके lead sulfide की precipitation हो जाए. CO2 and SO2, इन दोनों को खत्म करने के लिए CO2, SO2, even NO2 also, इन तीनों को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं KOH solution. एंड वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. यानी लैब में अगर हम हाइड्रोजन प्रिपेयर करें तो लैब में हाइड्रोजन प्रिपेयर की जाती है बाय एडिंग डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप वाइज ओवर द जिंक ग्रेन्यूल्स. जब ड्रॉप वाइज जिंक ग्रेन्यूल्स पे डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस. अब इन फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, इफ वी से सिर्फ H2 गैस ही आए, वो डिपेंड करता है हाउ मच इज द प्योरिटी ऑफ दिस जिंक.
अगर जिंक में इंप्योरिटीज पड़ी है, उन इंप्योरिटीज की वजह से देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ ASH3, PH3, H2S, CO2, SO2, NO2 एंड H2। इन इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए और प्योर H2 ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे जो गैसियस मिक्सर आएगा विद इंप्योरिटीज उसको पास कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा ASH3 एंड PH3। देन इट इज पास थ्रू लेड नाइट्रेट विच विल एब्जॉर्ब H2S। देन इट इज पास थ्रू QH सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब CO2, SO2, NO2 एंड देन थ्रू एनहाइड्रस CaCl2 विच इज एब्जॉर्बिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस वे वी गेट प्योर H2 इन लेबोरेटरी। दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके अलावा हमारे पास आती कमर्शियल प्रिपरेशन। बिग कमर्शियल वे यानी लार्ज स्केल पे हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस करें। सो लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो कमर्शियल मेथड है, इस कमर्शियल मेथड में हम यूज करते हैं बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हॉट कोक। सो स्टीम को पास किया जाता है ओवर रेड हॉट कोक। स्टीम को जब रेड हॉट कोक से पास किया जाए, सो देर इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। फर्स्ट देर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। सो ये जो मेथड होता है, जिस मेथड में हम स्टीम को पास करते हैं रेड हॉट कोक, दिस मेथड इज कॉल्ड बॉश प्रोसेस। यानी फर्स्ट जो है दिस इज BOSCH बॉश प्रोसेस। इस प्रोसेस में वी टेक रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक से हम पास करते हैं स्टीम। ये सॉलिड है, दिस इज इन गैस स्टेट। इट इज पास्ड ओवर दिस रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक से स्टीम अगर हम पास करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड H2। सो दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड H2, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। Once this water gas is obtained, water gas is then mixed with more of steam. इस water gas को mix कर देंगे steam के साथ. And steam के साथ mix करने के बाद हम इसको pass करते हैं over the catalyst. Catalyst से pass करेंगे, we'll be getting more of the hydrogen. So once first step में जो हमारे पास water gas आई, which is mixture of CO plus H2, इसको हमने mix कर दिया with steam. Which is in gas state, this is water gas. It is passed over a catalyst which is a mixture of Fe2O3, NiO and Cr2O3. This is a heterogeneous catalysis. So is mixture se jab pass karenge at temperature of about 450 degrees centigrade, there is formation of carbon dioxide and हाइड्रोजन। सो दिस कंप्लीट मेथड, जिस मेथड में पहले हम वाटर गैस ऑब्टेन करते हैं, वाटर गैस को मिक्स करके विद स्टीम जब हम कैटलिस्ट से पास करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस H2 गैस। दिस कंप्लीट मेथड इज कॉल्ड बॉश प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ सेकेंड कमर्शियल मेथड जो है, सेकेंड कमर्शियल मेथड हम हाइड्रोकार्बन से भी ले सकते हैं। हमने जो हाइड्रोकार्बन से कार्बन मोनोक्साइड एंड H2 का मिक्सचर ऑब्टेन किया था, उस मिक्सचर को स्टीम के साथ मिक्स करके कैटलिस्ट से पास करके अगेन वी कैन ऑब्टेन द हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द सेकेंड कमर्शियल मेथड, हाइड्रोकार्बन से कार्बन मोनोक्साइड एंड H2 का मिक्सचर यानी वाटर गैस ऑब्टेन करके फिर उसको हम पास कर देते हैं ओवर द कैटलिस्ट, उससे भी वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन। द थर्ड कमर्शियल मेथड विच इज रिलेटिवली कॉस्टलियर, दिस इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वो सॉल्यूशंस की, एक्वो सॉल्यूशन ऑफ NaCl या KCl, एक्वो सॉल्यूशन ऑफ NaCl KCl की इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं H2 गैस ऑन कमर्शियल स्केल। बट दिस मेथड इज रिलेटिवली कॉस्टलियर मेथड एंड दिस मेथड इज सुटेबल इन दोज कंट्रीज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी चीप। सो ये हमारे पास डिफरेंट कमर्शियल मेथड्स बाय विच हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन।